ना मानना ही सर ने कम व्यूअर्स सो व्यूअर्स आज की जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह जो है वो आप OBS के अंदर जो स्क्रॉलिंग दे रहे हैं आपने किस तरह ये स्क्रॉलिंग जो है वो सेट करनी है कंप्लीट जो है वो ओवरव्यू दूंगा कि आपने किस तरह इस तरह टाइप की स्क्रॉलिंग जो है वो ऐड करनी है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पर क्लिक कर लेना है और OBS स्टूडियो को सिंपली आपने ओपन करना है, ओपन करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है और यहाँ से सिंपली क्लिक कर देना है प्लस वाले आइकन के ऊपर। तो जैसे ही मैं प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है वो टेक्स्ट GDA प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ भी इसका नाम रख लेना है, जैसे कि स्क्रॉल बार मैं जो है वो नाम रख देता हूँ या स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल जा रहे तो मैं चलें जी स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल जो है वो सिंपली टाइप कर देता हूँ, कुछ भी मतलब मैं सही की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम अपना अच्छा जी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल या इस तरह की जो भी आपने जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आपने लिखना नहीं है। और यहाँ से आपने जो है वो कलरिंग अपने हिसाब से जो है वो इसकी सेट कर लेनी है, जो भी आप कलरिंग करना चाहें ब्लू करना चाहें, ये देखें टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू हो गया। तो यहाँ से एक और मैं मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ कि इसकी ओपेसिटी जो है वो आप जो है वो अगर कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो आपके ऊपर है, या देखें ओपेसिटी को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो बैकग्राउंड के कलर को भी आप जो है वो चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो बैकग्राउंड के कलर को ब्लू कर देता हूँ और ब्लू करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कोई भी फ़र्क जो है वो आप देख सकते हैं कि आपको नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे इसकी ओपेसिटी सेटिंग नहीं थी। तो मैंने जैसे ही इसकी सेटिंग की ओपेसिटी की तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ठीक के साथ जो है वो मुझे नज़र आया। तो मैंने जो है वो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो ऐड कर ली। अगर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे ऊपर अगर अपर केस के ऊपर क्लिक करें, ये देखें तमाम का तमाम डेटा जो है वो बड़े करेक्टर के अंदर मुझे देखने को मिल सकता है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखें छोटे अरब के अंदर मुझे देखने को मिलता है। मैंने सिंपली ओके के ऊपर क्लिक किया, अब ये देखें कि ये ऊपर नीचे को डेटा तो आप देखेंगे कि मूव कर रहे हैं। मैं ऊपर को मूव करके आपको तरीका जो है वो समझाता हूँ कि किस तरह आपने करना है। तो यहाँ से जो है वो मैं दूसरे कॉर्नर के ऊपर आ देता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। तो मैं जो है वो इसको मज़ीद इसको क्लोज कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने इसको जो है वो मज़ीद छोटा कर दिया। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जितना इसको जो है वो छोटा करके रखना चाहें छोटा कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो इसको आई थिंक बहुत ज़्यादा ही छोटा कर दिया, मैं थोड़ा इसको जो है वो बड़ा कर देता हूँ और ज़ाहिर बात है ये बाहर जाएगा। मैं इधर से यहाँ से फिट कर देता हूँ। अब सिंपली मैंने इसके स्क्रॉल के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ से आ जाना है सिंपली फ़िल्टर के ऊपर। तो मैं फ़िल्टर के ऊपर आऊँगा तो यहाँ से मैंने सिंपली क्लिक करने हैं प्लस वाले बटन के ऊपर और प्लस वाले मतलब इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कि मुझे एक चीज़ मिलेगी स्क्रॉलिंग। तो स्क्रॉलिंग को मैंने सिंपली ओके कर देना है और यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ गई। उसके बाद मैं यहाँ से स्क्रॉलिंग जो है वो यहाँ पे सेट करूँगा जितनी मैं इसकी स्क्रॉलिंग में इसको देना चाहता हूँ। अगर ज़्यादा देना चाहता हूँ तो ज़्यादा कर दे दूँगा, कम देना चाहता हूँ तो कम। और यहाँ पर एक आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा लूप का। तो लूप का मतलब ये होता है कि बार बार चीज़ों का हो जाना, यानी कि इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो एक टाइम जो है वो लूप चलेगा, यानी कि ये माइनस के अंदर ये देखें उल्टा चल रहा है। ये उर्दू के लिए है बेसिकली, तो मैं इंग्लिश के लिए लेना चाहता हूँ तो ये देखें इंग्लिश के लिए यहाँ पर मैं लेता हूँ तो ये देखें। और यहाँ पे लूप नहीं है तो आप देखेंगे कि एक दफ़ा ये चल के ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं लूप लगा देता हूँ तो ये बार बार लूप जो है वो चलता रहेगा। तो मैं बार बार लूप लेना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप ये देखें कि जिस तरह नीचे जो है वो टैक्स चल रहा है उसी तरह ऊपर जो है वो बिल्कुल टेक्स्ट चल रहा है। और इसके अंदर आप जो है वो चेंजिंग करना चाहें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाती हैं कि आप जो है वो इसके अंदर चेंजिंग करना कर सकते हैं, मतलब फ़िल्टर वगैरह की अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो फ़िल्टर आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। इसकी स्पीड आप बढ़ाना चाहें घटाना चाहें नेगेटिव के अंदर लेके जाना चाहें टोटली अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो वीडियो बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह।